पार्षद प्रत्याशी का कार्यालय उद्घाटन, साथ ही फाउंडेशन के इरफान को किया सम्मानित। आज गद्दी मोहल्ला में वार्ड नंबर 19 के पार्षद प्रत्याशी सोहेल उर्फ रजलू के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर साथ ही फाउंडेशन के इरफान को किया गया सम्मानित। इस मौके पर पूर्व में बने हेल्थ कार्ड किया गया लोगों को वितरण। 160 लोगों को मिला हेल्थ कार्ड, 300 लोगों का बचे हेल्थ कार्ड भी कैंप के माध्यम से किया जाएगा वितरण। वहीं पार्षद प्रत्याशी सोहेल आलम उर्फ रजलू ने कहा कि आज हम लोग अपने कार्यालय का उद्घाटन साथ ही फाउंडेशन एवं गांधी रतन से सम्मानित इरफान जी के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन कराया गया। वहीं उनके हाथों द्वारा 11 सितंबर को जिसका हेल्थ कार्ड बना था, उन लोगों का हेल्थ कार्ड का भी वितरण किया गया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा अपने वार्ड के समस्या के लिए खड़ा रहूँगा। आज हम लोगों ने साथी फाउंडेशन के संस्थापक सचिव इरफान आलम जी को गांधी सेवा रतन से नवाजा गया था। उनके कार्य के लिए उन्होंने पूरे झारखंड और धनबाद का नाम रोशन किया, खासकर वासीपुर का। उन्हीं को हम लोगों ने मोहम्मदी ट्रस्ट एवं नया बाजार ग्रुप एवं 19 नंबर वार्ड के जनता के तरफ से हम लोगों ने आज उनको सम्मानित करने का काम किया हम लोग। और हम लोगों ने जो 11 तारीख को मिडिल स्कूल में हेल्थ कार्ड बनाने का जो काम किए थे, वो कार्ड का हम लोगों ने आज वितरण कर रहे हैं उसका। और हम लोगों का काम यही है, 25 तारीख को भी काम होगा रमजान मंजिल मस्जिद के नीचे में हेल्थ कार्ड बनाने का। हम लोगों ने जो इरफान साहब को बुलाकर अपने आज यहाँ दूसरा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन इरफान आलम साहब के हाथों से अपना यहाँ